गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज अभी सूरी बना रहे हैं स्क्रैम्बल्ड एग। बेटा ब्रेक कर लो अब एग को। जाना ऐसे करोगे ना तो उसकी शेल सारी आपकी उसमें जाएगी। अब करो उसको। हाँ, अब शेल को आप यहाँ पे रखो, एक बारी में हिट करो। वेरी गुड। अब नाइफ को यहाँ पे रखो इसके ऊपर। हाँ गुड। अब इसको ब्रेक करो आराम से, बस बहुत आराम से करना होता है। चलो वापस रखो शेल। एक बार मीट करो। हाँ, अब विस्क भी इनको ही करना है। You have to whisk like this. हाँ, लेकिन अभी मैंने वो गलत बोल ले लिया है ना, थोड़ा वैसे भी स्क्रैम्बल्ड एग बनना है बेटा, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। आराम आराम से करो, मैं तब तक इसको टिकाने लगाती हूँ। हो गया? शो मी। बेबी जब आपकी गेम खत्म हो गई बता देना बेटा, मेरे पास 2 मिनट है, मुझे बहुत सारे काम है जाना। मामा जी व्हिस्किंग इट। वेरी नाइस, वेल डन बेटा, वेरी गुड। क्योंकि अपनी कुकरी क्लासेस करता है ना स्कूल में, तो ही नोज हाउ टू डू फ्यू थिंग्स। प्लस माय मम्मी आल्सो टीचेस मी। अमीर, आप ऐसी बातें करके ना दिल जीत लेते हो। फ्रॉम डैडी? डैडी? डैडी के पास ही चला था तो डैडी। चलो अब मैं करती हूँ बाकी, ठीक है? चलो जल्दी। ओह, इज इट मेड अ बबल? या, इसके अंदर मिला लिया है थोड़ा सा मिल्क। नाउ इट्स टाइम टू पोर, कम ऑन। क्योंकि स्क्रैम्बल एग है ना, इतना फर्क नहीं पड़ता कैसे। छोड़ो इसे, इसे छोड़ो, इसे छोड़ो। हाँ बस इसको ऐसे घुमाना शुरू करो। घुमाओ घुमाओ। तो हम ये स्क्रैम्बल एग बना रहे हैं ऑलिव ऑयल में। कम ऑन कम ऑन। There's actually two ways to make scrambled egg. There's one way where you just put the egg in there and fold it in, like I'm just making it into pieces. And this is one way too. So there's two ways you can make scrambled egg. Okay, Papa. ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हमारा स्क्रैम्बल एग। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच अबीर, थैंक यू सो मच बेटा, सीरियसली थैंक यू सो मच। गाइस देखना, सारे सॉरी आप लोग, थोड़े और भी चीजें नजर आ रही हैं, बट क्या करें, पार्ट ऑफ द लॉन्ड्री। एनीवे गाइस देखना, सारे कपड़े अबीर ने फोल्ड करे हैं। आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू अबीर, आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू। ये रहा आपका बिग ब्रेकफास्ट। और अब सबको देख, अरे पीछे मेरी स्कर्ट टंगी हुई है बेटा, यार रात को ना कुछ कपड़े थोड़े थोड़े गीले थे, मैंने यहीं पर सुखाने के लिए डाल दिए थे। बट एनीवे, अभी व्हेन यू फिनिश योर ब्रेकफास्ट लेट अस नो, ठीक है? हमें अपनी प्लेट जरूर दिखाना यार, ये इसका फेवरेट ब्रेकफास्ट है। आप भी अपने बच्चों के लिए ट्राई करना, बहुत ईजी टू कुक है। स्क्रैम्बल्ड एग विद ब्राउन टोस्ट एंड विद सम बीन्स। व्हाइट टोस्ट? मुझे बुलाया गया अपनी प्लेट दिखाने के लिए। What? Look at this. It looks like I haven't even ate a single thing off of this plate. Did you lick the plate? Yeah. इधर तो मुझे वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छी बात, आपने सारा ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया। अमेजिंग अमेजिंग। हे गाइस, हेलो दोस्तों, हे भगवान क्या जिंदगी है यार। ये साइड में नजर आ रहे हैं डर्टी क्लोथ्स हैं लॉन्ड्री बैग में डालने, इन केस यू आर वंडरिंग व्हाट इट इज। हे भगवान, बस जा रहे हैं। पम्पकिन पैच रेडी में हो चुकी हूँ, कहीं जगह नहीं मिल रही थी कैमरा रखने की, मैंने यही रख दिया कि मुझे पता फिर मैं निकलने का शॉट ले ही नहीं पाऊंगी। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, और जो भी कपड़े मैंने आज पहने हैं उनके ऊपर मैंने एक गेट रेडी विद मी बनाया है, तो वो आपने देख ही लिया होगा। इससे पहले वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे आ चुका है, तो बताइएगा आपको कैसा लगा। एनीवे अभी निकलते हैं। सो हे गाइस, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं पम्पकिन पैच। मैंने जो ये
प्रिंसेस एन वाला लुक कर रहा है आज, मुझे वैसे अच्छा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट. प्रिंसेस एन अगर आपको मालूम ना हो तो प्रिंसेस एन नहीं है, प्रिंसेस एन की माँ है. नहीं, क्वीन की बेटी कौन है? क्वीन की बेटी का नाम क्या है? क्वीन की बेटी का नाम शार्लेट. क्वीन की बेटी का नाम शार्लेट. हे भगवान, लाइव इन यूके के टेस्ट में तुम्हें तो पास करना ही नहीं चाहिए था कसम से. क्वीन की बेटी का नाम शार्लेट. ले, मैं फिर भी ठीक बोल रही हूँ, प्रिंसेस एन ही है वो. हाँ, प्रिंसेस एन अपने बाल ऐसे बनाती है. हम कम है ये कहाँ के रॉयल. ले, एनीवे ये रहा मेरा बेटा जिसने बाल खुद बनाए हैं, माँ को लगाने नहीं दिया हाथ. कोई कदर नहीं है, घर में हेयर ड्रेसर है, कोई कदर नहीं. ये देखिए आप यहाँ पर योर हेयर ड्रेसर फॉर बना दिया बाल. गाइस योर हेयर ड्रेसर फॉर गर्ल्स नॉट बॉयज. ओहो गर्ल्स. हाँ जी, मैं तो थोड़े बाल बनाने तैयार हूँ. बनाओ. तुम बनवाओगे मुझसे? बिल्कुल. गाइस आई एम सॉरी गाइज, अगर पता नहीं पिछला शॉट हुआ है कि नहीं हुआ है तो हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं. ये रहा मेरा बेटा. दिस बटन ऑन द साइड, दैट इज द बटन. वाह. एनीवे कैसे हो? फिर जा रहे हो कद्दू लेने? कोई चीज रह ना जाए, दिवाली मेला भी हो जाए, कद्दू भी ले आओ, बस कुछ कुछ ना रह जाए जिंदगी. कुछ छुटना नहीं चाहिए वैसे, गल सच्ची है. एनीवे हाउ आर यू सर? आई एम वेरी गुड डार्लिंग, हाउ आर यू? हेलो एवरीवन. आई एम गुड. तो सुबह सफाइयां कर करके अब आया हूं. वो हमने दूसरे ब्लॉग में दिखाया है. वो हमने दूसरे ब्लॉग में दिखाया आपकी दिवाली की सफाई. पम्पकिन लेते हैं, बच्चे को करते हैं खुश और खुद भी होते हैं खुश. वहाँ पे मेरी फ्रेंड भी आ रही है श्वेता क्यांच, आपने उनको मेरे ब्लॉग में देखा होगा लास्ट वीक. और आज उनके मेरी फ्रेंड के हस्बैंड भी आ रहे हैं कुशल. तो बिल्कुल हैव अ नाइस टाइम. द बेस्ट वन टू द पम्पकिन मैच. ओह माय. सो गाइस वी हैव रीच्ड. और ये देखो आप पम्पकिन एक्टिविटी अक्टूबर, बड़ा अच्छा लग रहा है यार. हाफ टर्म ओवर फार्म आगे से जाना. तो इस जगह का नाम है ओवर फार्म एंड इट इज इन ग्लॉस्टर. हेलो. तुम आ गए पार्किंग में. तो जाते जाते एक कॉफी और एक कुछ साथ में मुझे लेना है, कोई केक. ठीक है, तब तक मेरी फ्रेंड भी आ जाएगी. हाँ जी गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं पम्पकिन पैच. आज तो सूरज देवता एकदम मेरे पीछे हैं, मतलब कि निकले हुए हैं आज. मैं सूरज देवता बुला रही है. क्या हो गया? थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है उन्होंने मुझे गाड़ी में, बट कोई बात नहीं. हमारा काम है, इनका फर्ज है, फर्ज है इनका, बनता है फर्ज बनता है इरिटेट करना. एनीवे चले. वैलीज पहनी है तेरी? वैलीज पहनी है? देखो मैंने वैलीज पहनी है. गाइस हम आपको अपना लुक दिखाते हैं, ठीक है? आज हम पूरी प्रिपरेशन के साथ आए हैं पम्पकिन पैच. इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लास्ट से लास्ट टाइम हम अपने इन्हीं दोस्तों के साथ आए थे. हम सारे व्हाइट कलर के शूज पहन के आए थे गाइस पम्पकिन पैच. पहन के तो आज भी आए हैं हम, लेकिन वैलीज साथ लाए हैं. हाँ, लेकिन वैलीज पहनी है ना आपने. तो हम लोग पहुंच चुके हैं ओवर फॉर्म पम्पकिन पैच और हमारे फ्रेंड्स भी आ गए हैं. हाय क्यांच. हेलो क्यांच. यू नो सो मेनी पीपल सेंड मी सो मेनी मैसेजेस दैट ही इज सच अ क्यूट बॉय एंड वेल बिहेव्ड बॉय. भाई तुम्हारे बेटे की बहुत बहुत सारी वो आई हैं मैसेजेस हमारे पास कि बहुत ही वेल बिहेव्ड बच्चा है. इनको भेजो थोड़ा. एंड डैडी इज ऑल्सो हियर. हेलो. तो यहाँ पर ना ऐसे बहुत सारे पम्पकिन्स हैं, मतलब पूरी फील्ड के अंदर. हमने पहले भी पम्पकिन पैच पे एक व्लॉग बनाया हुआ है, हर साल आते हैं हम लोग पम्पकिन पैच. और ये अबीर का लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड है. अबीर, अबीर को देखना क्या कर रहा है. मैं आपको अबीर दिखाती हूँ. ये देखो
सीधा सीधा रास्ता है, लेकिन अबीर को वहां से नहीं चलना, अभी आपको मड में ही वॉक करना है। सीरियसली हालत देखो अबीर के शूज की, पता तुम्हें शूट करते करते ना मैं खुद मड में चल रही थी। साहब फिर कितने कद्दू ले लिए आपने? यार बट सीरियसली दस लुक सो ब्यूटीफुल ना, ऐसे ऑरेंज ऑरेंज कलर की बॉल्स पड़ी हुई है, ऐसा लगता है ना किसी को बहुत भूख लगी थी। योर लिटिल पिग, डैडी कह रहे हैं अपने कपड़े गंदे मत करना, मुझे धोने पड़ेंगे बेटा। वैसे डैडी लॉन्ड्री बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जस्ट टू लेट यू नो गाइस, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, नॉट नीडेड, बट हमने तब भी दी है। तुम भी नहीं करते लॉन्ड्री, बाल तुम्हारे एकदम वो संजय दत्त की तरह हो रहे हैं, ऊपर कर लो। हाय हवा हवा में आए, ज्यादा मत कर, गोरियां वाली इधर देखने लग पड़ेंगी। अरे पम्पकिंस, हैशटैग पम्पकिंस। तो यहाँ पर सौरभ खींच रहा है पिक्चर्स। गाइज हमने नई कार्ड मशीन भी खरीद ली है, अब हम चार्ज क्या करेंगे सबको। मैं ओरी बन गया हूं। ये ओरी है एंड ही विल चार्ज एवरीबॉडी। इफ एनीबॉडी वांट्स टू हैव अ पिक्चर गाइज प्लीज कॉन्टेक्ट अस प्लीज। सौरभ उनका हो गया है, वो तुम्हारी तरह नहीं है कि उनको 15 पिक्चर चाहिए हो एक ही जगह की। तो हम लोग पम्पकिन फील्ड में है और वहां पर ना इट लुक्स लाइक अ ग्लाइडर, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस थिंग इज, लाइक इट्स लाइक अ एयरक्राफ्ट। अभी ये फ्लाई करेगा, मैं जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो आप, अब आपको नजर आया होगा मैं किसकी बात कर रही थी। अभी लैंड हुआ है ये, अभी दोबारा से टेक ऑफ करेगा, तो जब करेगा मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखें आप, हमारे अपने हमारे घर के रणदीप हुड्डा जी ढूंढ रहे हैं ये पम्पकिन। अब करा है इसने टेक ऑफ, ओ नाइस। आदि यहाँ पे ना फ्लाइंग स्कूल है, ये देखो ये देखो, कह रहे वीडियो बना दे प्रीति, इन्होंने जो अपना पर्सनल वीडियोग्राफर हायर कर रखा है ना प्रीति सूरी को। हाँ जी, किसकी वीडियो बनानी है, कहाँ से बनानी है? ओके तो यहाँ पे अभी सूरी गिर चुके हैं। हे भगवान, गाइस मेरे हाथ में कैमरा है तो मुझे तो वीडियो बनानी है। सौरभ सौरभ उसको, ओ वेट 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 वेट, आई हैव टू कम, आई हैव टू कम, आई हैव टू कम। हंस लो तुम लोग पागलो, भगवान जी इतनी कीचड़ है यहाँ पे। लुक एट माई शूज, और मुझे लग रहा था वेदर बहुत अच्छा, वैलीज की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, थैंक गॉड आई एम वेयरिंग माई वैलीज। और लुक एट अबीर, अबीर और अबीर की शरारतों ने ये करा है, बट कोई बात नहीं, मजा आया इसको। एंड ऑफ द डे ही हैड लॉट्स ऑफ फन इन द मड, नीड टू वॉक विद द स्टिक्स नाउ, यू वांटेड फन ना, टेक इट। वो वाटर स्टेशन में चलते हैं ना, वो जो श्वेता ने बताया है, चलो वहीं चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं गाड़ी में और मैं इस बच्चे को अब कर रही हूँ चेंज पूरी सॉक्स की मत, मैं मर जावा। इधर रखो बैग, पैर इधर रखो, पैर इधर रखो, इधर देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके अब एक मिनट एक मिनट, आप ऐसे इधर बैठो, इधर बैठो,
टांगे दे दो मुझे, नहीं लेंगे हम तुम्हें व्लॉग में नंगा. एक मिनट कोई सीन नहीं करेगा. हमारी गाड़ी के पीछे ब्लैक शीशे, ये जल्दी करो. यू नॉट क्लोजिंग इट. हे भगवान, इन बच्चों को पम्पकिन पैच लाना आसान बात नहीं है. अब ये चेंज कर रहे हैं शूज में. अब ये शूज जो गंदे होंगे, अब तुम मड में बिल्कुल नहीं जाओगे. जहां पर मड आएगी यू विल कॉल योर मदर, योर मदर विल होल्ड यू, योर फादर. तो बेटा फादर को तो मैं आज तुम्हारे छोड़ने नहीं वाली हूँ. फादर इज लाइक बंदे की ना सॉक्स तक मरती है ना, और वैलीज के अंदर भी मरती. कह रहे नहीं नहीं ठीक है ठीक है, हो जाएगा. कैन यू प्लीज टेल योर डैड नाउ दैट योर मॉम इज ऑलवेज राइट. जस्ट टेल हिम टू फॉलो टू रूल्स. फर्स्ट, मॉम इज राइट. सेकेंड, ऑलवेज फॉलो द फर्स्ट रूल. Yeah, rule one is mom is always right. And second rule is always follow the first rule. Exactly. That's all. Okay, दोस्तों तुम्हारी गाड़ी में आ चुका है क्यांच, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं प्ले एरिया. हेलो क्यांची. हेलो. हेलो. तो मैंने क्यांश को एक गाना सिखाया है, तो अभी क्यांश हमारे साथ गाएगा. ओ वाइब तेरी मेरी मिलती है. वन मोर टाइम. वाइब तेरी मेरी मिलती है. ओ मैं तो तेरे हंस सुनदा, तू सुनदा दिल दिया. ओ वाइब तेरी मेरी, वाइब तेरी मेरी. क्यांश क्यांश डू इट लाइक दिस. क्यांश can't do it like this. Oh my, but teri meri. Do it. Can't do it. Like, how do you do it? Look like this. Oh my, but teri meri. Oh my, but teri meri. Come on, can't do it. My, but no. Say it. Oh my, but teri meri. मजा आ रहा है. ऐसे बच्चों को हंसाते रहते हैं. सोच रहे हैं कि किड्स क्लब खोल ले. मैं तो सुनी साहब को दिया है £50 पर आवर लेंगे हम. क्यांच के मम्मी डैडी भी आ चुके हैं. तो हम लोग वापस आ गए थे. अब मैं इन सारे पम्पकिन को वॉश करूंगी, अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करके रखूंगी. पता नहीं उसको कौन सा वाला पम्पकिन काफ करना है. आई होप कि दोनों ना करने हो. तो एक पम्पकिन हम करेंगे काफ, तो ये करेंगे मेंस डे को. मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. सीरियसली आई डोंट लाइक टू काफ द पम्पकिन. बट कोई बात नहीं, अभीर के साथ करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे.